सो ऑल सेट टू गो, अपन ने मैप्स लगा लिया है, इसमें टाइम दिखा रहा है बैंगलोर पहुंचने का 4:12, लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं, अभी बज रहे हैं 2:45 रात के, सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो एक स्ट्रेच ब्रेक के लिए रुके हैं, 3 घंटे हो गए ड्राइव करते हुए एंड अभी दिन निकला है, काफ़ी सही लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। Hey guys, what's up? Welcome back to my channel after almost 1.5 years. So, काफ़ी चीज़ें हुई हैं last 1.5 years में. I've shifted to Pune and many more things. So, आज I'm going to Bangalore from Pune. Video के title में तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा. So, I've got an invitation for the Ola Future Factory event. So, चलते हैं Bangalore की तरफ and दिखाता हूँ आपको Ola Future Factory. भैया डीजल फुल कर दो। फुल कार्ड है, कैसे कार्ड? तो यार कर्नाटका में एंटर किया था, अब डीजल लेने के लिए रुके हैं। यहाँ पे 7 रुपये सस्ता है डीजल महाराष्ट्र से, तो यहाँ से टैंक फुल करा रहे। अच्छी चल रही है रोड ट्रिप, मौसम काफ़ी सही लग रहा है, बहुत ही सही वेदर है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे यहाँ पे, गोवा वेस्ट करके होटल है। वेस्ट मतलब मैंने पूछा यहाँ के लोगों से, तो आई थिंक इट मींस बॉर्डर। तो हम आए हैं उस साइड से एंड अपने को इधर जाना है, ये बेंगलोर की तरफ एंड ये रास्ता जाता है गोवा की तरफ, तो यहाँ से गोवा का भी रास्ता कटता है, बट अपने को अभी चलना है उधर। बेंगलोर ऑलमोस्ट बचा है 560 किलोमीटर्स, 8 घंटे दिखा रहा है, अभी बज रहे हैं 7:15, तो लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं। बाकी आराम से घूमते घामते जा रहे हैं, मस्त मौसम बहुत सही हो रहा है। चलो मिलते हैं आपसे हाईवे पे। बहुत ही सही रोड है, मस्त रोड है। तो लास्ट टाइम बेंगलोर गए थे यही रोड से गए थे? हाँ। तो अपन ने धारवाड़ से ले लिया था राइट और उसके बाद आई गेस हुबली से पहले आता है धारवाड़, तो ये सिंगल लेन हाईवे आ जाता है राइट लेने के बाद, तो ये आई थिंक हुबली तक चलता है, उसके बाद राइट वापस लेंगे तो अपन वापस NH 48 पे आ जाएंगे। अभी बजे हैं 9 एंड टाइम दिखा रहा है 3:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, 400 किलोमीटर के करीब बचा है बेंगलोर, तो देखते हैं। चल रहे हैं अपनी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, और वेदर अब तो बहुत ही सही हो रहा है, क्लाउड्स वगैरह बहुत सही लग रहे हैं। सो लेट्स सी, आगे का अपडेट देता रहता हूँ मैं आपको। तो ये सिंगल लेन हाईवे के बाद टोल आता है, सो टोल से निकलने के बाद आगे एक सर्कल आता है, तो इस सर्कल से अगर आप लेफ्ट लोगे तो हुबली आ जाएगा एंड राइट में बैंगलोर आता है, तो अपन राइट लेने वाले हैं यहाँ से, ये इस सर्कल से राइट लेते ही अपन आ गए हैं वापस NH 48 पे। आई थिंक जो सिंगल लेन वाला था वो भी NH 48 ही था, बस वो सिंगल लेन हो जाता है और कोई डिफरेंस, वो भी नेशनल हाईवे ही है, प्लस यहाँ से राइट मुड़ते ही यहाँ पे बहुत स्पीड कैमराज लगे हैं, तो बस अगर आप आओ तो ध्यान रखना। बस 200 किलोमीटर बचा है बैंगलोर एंड अभी हुए हैं 11:15, बट अभी भी 3.5 घंटे दिखा रहा है पहुंचने में। आई थिंक लास्ट का जो बैंगलोर का स्ट्रेच है ना, मतलब लास्ट जो 60-70 किलोमीटर्स है, वो आई थिंक 2 लेन हाईवे हो जाता है एंड ट्रैफिक रहता है, तो बैंगलोर एंट्री में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी होपफुली 2:45 तक पहुँच जाऊँगा मैं बैंगलोर, देन होटल में चेक इन करेंगे
उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं, दिखाता हूँ आपको व्यू, काफ़ी सही लग रहा है। आधे पहाड़ों पे ऐसे धूप आ रही है और कहीं पे नहीं आ रही, बहुत सही लग रहा है। बैंगलोर कुछ 152 किलोमीटर्स बचा है, जिसमें से 142 तो स्ट्रेट जाना है, बाकी फिर लेफ्ट मोड़ के आई थिंक 10 किलोमीटर बाकी है, जिसमें भी ये 2 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है। तो रेट सी रोड तो काफ़ी अच्छी है। तो बैंगलोर 150 किलोमीटर के करीब बचा है, यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए और अपना नेचर स्कॉल भी हो जाएगा, तो खाते हैं फिर निकलते हैं। फिर इसके बाद आई डोंट थिंक मैं कहीं रुकूँगा, सीधा बैंगलोर में होटल पे ही रुकूंगा। चलो भाई पेट पूजा हो गई, निकलते हैं अब बैंगलोर के लिए सीधा, अब अपन नहीं रुकेंगे कहीं पे भी। हाईवे इतना सही है ना, मन तो कर रहा है ऐसे धनुषकोड़ी निकल जाऊं, बहुत मन है धनुषकोड़ी का रोड ट्रिप करने का। मतलब इस टाइम तो नहीं हो पाएगा आई नो, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं प्लान करने वाला हूँ धनुषकोड़ी का रोड ट्रिप, एंड लेट्स होप प्लान बन जाए हो। सो एग्जैक्टली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलुरु एक टोल आता है, उस टोल के बाद 2 लेन हाईवे हो जाता है। तो अभी भी 60 किलोमीटर्स का 1 hour 15 minutes के करीब दिखा रहा है, तो आई मीन ऑब्वियसली ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाएगा एंड आगे ट्रैफिक भी मिल सकता है सिटी में, बट तब भी अपन पहुंच जाएंगे आई गेस 3 बजे तक, फिर होटल में चेक इन करेंगे। ऑल दो ट्रैफिक थोड़ा है एंड स्पीड भी स्लो हो गई है, बट नो डाउट रोड बहुत अच्छी है तो इजीली स्मूथली चल रही है गाड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस हाँ थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है। मैंने चेक इन कर लिया था होटल में पहुंच के एंड एक क्विक शॉवर ले लिया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू चर्च स्ट्रीट, यहाँ पे पास में मार्केट वगैरह है, वहाँ पे कुछ खाऊंगा एंड कल अपने को अपन चलेंगे ओला फैक्ट्री वाला इवेंट में, कल सुबह सुबह जाना है अपने को। सो आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एपिसोड, राइट? सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ प्रमोट माई चैनल। बाय बाय।